Indian cricketer Arshdeep Singh is being trolled mercilessly after dropping a catch in yesterday's high-pressure match. Wikipedia का पेज और उस पर अर्शदीप सिंह के साथ खालिस्तान शब्द ऐसे तीन चार जगहों पर एडिटिंग की गई। कितना इजी हो गया ना आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की रेपुटेशन को डाउन करना, डीग्रेड करना, डीफेम करना, जहाँ ट्रोल करना उसको, और उनकी एक गलती की वजह से उसको देशद्रोही तक कह देना। ऐसा ही कुछ हुआ है इंडिया टीम के न्यू प्लेयर सरदार जी के साथ, मतलब अर्शदीप सिंह के साथ, जिन्होंने वैसे इंडिया आईपीएल में मैच खेले हैं लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वो पहली बार प्ले कर रहे थे। यार ऑब्वियस है यार, पहला मैच वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और एक 23 साल का लड़का जो इंडिया के लिए खेल रहा है, थोड़ा प्रेशर हो जाता है यार, थोड़ा अंडर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी गलतियां हो जाती है। और यार अर्शदीप सिंह के साथ क्या हुआ, एक जरूरी विकेट था जो कैच उनसे छूट गया और लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया तक आ गया, जिसमें खालिस्तानी ट्रेंड करने लगा और सभी ने रीट्वीट करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ कि विकिपीडिया पे भी उनकी बायो में खालिस्तानी वर्ड यूज होने लगा। हालांकि बाद में वो हटा दिया गया, जांच किसी की शरारत थी। एक कैच मिस होने की वजह से अर्शदीप की पूरी क्रिकेट जर्नी, जहां उसका स्ट्रगल, जहां फिर उसकी अचीवमेंट्स क्रिकेट में लाई हुई, क्या उसको बुला देना सही है? रिसर्च और गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से ये जो ट्रेंड चला था अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, वो पाकिस्तान से कुछ शरारती लोगों ने, कुछ वेले लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसको यूएसए अमेरिका के कुछ लोगों ने रीट्वीट करना शुरू कर दिया। अर्शदीप के विकिपीडिया पेज को बदल दिया गया था कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके इंटरनेट के जरिए लोकेशन पंजाब का मर्री गांव, मर्री शहर, जहां से इस पूरे विकिपीडिया के पेज को छेड़ा गया और अर्शदीप के प्रोफाइल में मेजर और बाजवा शब्द जोड़ा गया। और इतना ही नहीं, खालिस्तान का कनेक्शन भी सीधे सीधे उस प्रोफाइल के साथ जोड़ दिया गया। मतलब ये कि अर्शदीप से कैच छूटने से पहले ही उसे टारगेट करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। और देखा दिखाई में लोगों में ये बातचीत होने लगी और कुछ ना जाने बगैर सभी ने रिट्वीट करना शुरू कर दिया कि शायद जानबूझ के कैच छोड़ दिया, ये तो खालिस्तानी है, जा इसको पैसे मिले हैं, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा था लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी ताकि इंडिया के पूरे भारत के लोग इसको समझ पाएं, अर्शदीप सिंह के बारे में समझ पाएं, उनकी जर्नी के बारे में समझ पाएं, उनका स्ट्रगल समझ पाएं, ताकि जो ट्रोल कर रहे हैं या फिर डीफेम कर रहे हैं अर्शदीप को, एक्चुअल उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जान पाएं। मैं अर्शदीप वीरे यही कहना चाहूंगा, वीरे दबियो ना, दबना नहीं है आप, सोशल मीडिया से जो चलता चली जान दो, खिंच के रखो काम तुसी। बाकी मैंने इंट्यूशन आ रही है कि तुम जो अगले मैच आ रहे हैं उस वधिया परफॉर्म करोगे। वैसे भी तुम्हारी अचीवमेंट्स मैं पढ़ी हैं, जो मैं वीडियो बनाई थी मैं सारा कुछ पढ़िया, तो तुम ऑलरेडी काफी 23-24 साल की उम्र में 13-14 साल क्रिकेट खेलते हो गए, तो बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, तो सानू प्राउड है तुहाडे ते वीरे। सो वीडियो को एंड तक देखना और बीच बीच में जो अर्शदीप पे ब्लेम लग रहा है उसके बारे में भी बात करता रहूंगा मैं। 7 साल की उम्र में अर्शदीप 29 जनवरी 2006 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो फर्स्ट इनिंग टीवी पे लगा के घर पे आराम से देख रहे थे, और उसमें क्या हुआ, इरफान पठान ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हैट्रिक ले लिया, 3 विकेट्स लगातार ले लिए। सो अर्शदीप उस टाइम बैठे टीवी पे 7 साल की उम्र में इरफान पठान को देखते हुए इंस्पायर हो गए कि मैं भी एक बॉलर बन सकता हूं, मैं भी एक इन स्विंग कर सकता हूं बॉलिंग को, पेसर बन सकता हूं। सो मोहाली शहर में रह रहे अर्शदीप ने तभी सोच लिया था कि यार मैं भी इंडिया टीम के लिए कभी ना कभी खेलूंगा, वो बात उसके मन में थी लेकिन वो प्रैक्टिकली अभी स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने। अर्शदीप का जन्म 5 फरवरी 1999 में मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुआ। उनके फादर का नाम था दर्शन सिंह, जो कि CIS के जवान थे, तो आपको पता ही है कि ड्यूटी पे ट्रांसफर होते रहते हैं, और मदर का नाम था बलजीत कौर, जो कि एक हाउसवाइफ थे। सो अर्शदीप थोड़े बड़े हुए तो उनके फादर दर्शन सिंह का ट्रांसफर हो गया मोहाली में, यहां से उसकी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट होती है। और वो क्या कहते हैं ना कि असी बच्चे अपने मापियो तो ही सीखते हैं, उन्होंने गुण अपने को आई जाते हैं, कितना कितने इंस्पायर होने अपने फादर मदर तो। तो अर्शदीप के पापा भी क्रिकेटर थे, वो भी अच्छा क्रिकेट खेलते थे लेकिन कुछ मजबूरियां होती ने, कुछ वैसी उनको नहीं चीजें प्रोवाइड हुई, गाइडेंस नहीं मिली कि वो ज्यादा हाई लेवल का क्रिकेट नहीं खेल पाए। मैं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला हूं गुरदासपुर की तरफ से, फिर क्योंकि मेरी ख्वाहिश जी अधूरी रह गई, पूरी कंप्लीट नहीं हुई और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैंने फिर जो जॉब ज्वाइन कर ली तो क्रिकेट मेरे को डिसकंटिन्यू हो गया। एक बार अर्शदीप अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेल रहा था, उसके पापा पास में ही बैठे थे, तो अर्शदीप ने एक बार बॉलिंग की, रन अप लिया और लेफ्ट आर्म से इन स्विंग डालने की कोशिश की, उसके पापा ने उसको देखा और ये ऑब्जर्व किया कि ये अच्छा रन अप था और अच्छा इन स्विंग डाल सकता है और प्रैक्टिस की वजह से, तो उनको पता चल गया कि मेरे बच्चे में टैलेंट है, अगर इसको अच्छी गाइडेंस दी जाए क्रिकेट की तो अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन सकता है, शायद इंडिया के लिए भी खेल सकता है। तो फिर अर्शदीप का जब मैंने देखा कि इसके अंदर टैलेंट है लग रहा है, तो मैंने फिर इसको कोचिंग दवाना चाहा, तो पहले इनिशियल स्टेज पे जो 9 साल का 8 साल का होगा तब इसको एक कोचिंग ज्वाइन कराई, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो लेकिन जो भी देख रेख थी
वो फिर मैडम करते थे। सो यहीं से अर्शदीप का जो क्रिकेट जर्नी था स्टार्ट हुआ। सो चंडीगढ़ में सेक्टर 19 के गवर्नमेंट स्कूल में अर्शदीप ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। ड्यूटी की वजह से अर्शदीप के फादर घर से बाहर ही रहते थे, तो उनका पालन पोषण या फिर संभालना बच्चों को मदर के हाथ में ही होता था। मैं जैसे स्कूल से लेके आती थी, पहले तीनों बच्चों को लेके आना, दो बैग उठाने एक साइड में, एक उधर एक उधर, क्योंकि जो थोड़ा वीक होता था छुट्टी होते ना, तो बैग लेके आने, इसको घर पे लाके फटाफट यूनिफॉर्म चेंज करनी, टिफिन रेडी होता था, साइकिल निकालना फटाफट, चलो बैठो किट अपनी उठाओ, और पीछे बैठे बैठे ये खाना खा लेता था। मैं अपना खाना साथ में ले जाती थी, मैं अगर उधर बाहर पार्क में बैठ के खा लेती थी, तो इसको लेके वापस आती थी, फिर आके थोड़ा बहुत इसका होमवर्क करा देना, क्योंकि तीनों बच्चों मेरे पास थे, ये तो बाहर ही रहते थे ज्यादा, जितनी मैंने मेहनत की उससे ज्यादा उसने की। सो जो अर्शदीप का कोचिंग सेंटर था गवर्नमेंट स्कूल था, उसके घर से 15 किलोमीटर दूर था। सो माता जी घर के काम निपटा के उसके बाद अर्शदीप को 15 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर पे खुद छोड़ने जाते थे। वीडियो का फ्लो रोकते हुए एक माँ की बात हुई है, तो यार मैं मम्मी जी का वो क्लिप दिखाना चाहना जेड़ा मैं भी देख के इमोशनल हो गया सी, जदों अर्शदीप इंडिया लिए पहली बार खेडन गया सी। हाँ सर, हार्ड वर्क तो किया मैंने, बहुत हार्ड वर्क किया, बच्चों के लिए करना पड़ता है ना, हर पेरेंट्स करता है, मैं अकेली ने नहीं किया, जितने भी आज तक बड़े बड़े प्लेयर आए सभी के पेरेंट्स ने किया होगा ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सभी की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि हम वो बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है, खुशी से कभी कभी तो ऐसे मन भर भी जाता है। सो चार साल अर्शदीप ने यहाँ पे ट्रेनिंग की, लेकिन उसके फादर दर्शन सिंह को लगा कि यहाँ पे कुछ एवरेज ट्रेनिंग हो रही है, इतना अच्छा सीख नहीं पा रहा। सो इसलिए उसके फादर ने सेक्टर 35 के गुरु नानक स्कूल में उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा। मैं इतनी डिटेल में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो अर्शदीप को ट्रोल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता चले कि अर्शदीप का स्टार्टिंग से जर्नी कैसा था, उसने कितना स्ट्रगल किया उस इंडिया टीम में जाने के लिए। सो सेक्टर 36 के गुरु नानक कोचिंग सेंटर में उनके कोच थे जो जसवंत राय, जब उन्होंने अर्श को गेंदबाजी करते देखा, उनका टैलेंट देखा, तो वो श्योर हो गए कि ये लड़के की अगर अच्छी ट्रेनिंग हो ये पक्का एक दिन इंडिया खेलेगा। सो जसवंत राय के अंडर अर्शदीप की ट्रेनिंग शुरू हुई एंड ही स्टार्ट इंप्रूविंग हिज स्किल्स और काफी अच्छा परफॉर्म करने लगे वो। आपको कुछ यूनिक और सुपर टैलेंटेड होना पड़ता है अपनी गेम को लेके, तभी जो सिलेक्टर्स हैं इंडिया टीम के सिलेक्टर्स हैं उनकी नजर आप पे पड़ती है। सो अर्शदीप की एवरेज परफॉर्मेंस को देखते हुए हर्षदीप के पापा को थोड़ा स्ट्रेस होने लगा, थोड़ा टेंशन होने लगी कि सो अंडर 19 की टीम में अर्शदीप के फादर ने अपने बेटे नु किया कि पुत्र देख थोड़ा सिक्योर चल दे, तुम क्रिकेट खेलो लेकिन थोड़ा बैकअप प्लान रख लेने, अगर कुछ नहीं बनता तू अपने वड्डे भरा को कनाडा चला जाई। तो इसमें भी एक ऐसा आया जब प्रॉपर मौका नहीं मिला, तो क्योंकि हरेक पेरेंट्स को होता है कि फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन परमात्मा ने कृपा किया कि बड़े बेटे को हमने कनाडा में भेज दिया और इसकी थोड़ी सुपरविजन हमने शुरू कर दी। लेकिन जब वो अप्स डाउन आए तो फिर मैं भी थोड़ा सा डोल गया उसमें कि अभी क्या किया जाए, इसको कनाडा भेज दिया जाए। जब लेकिन अर्शदीप के इरादे पक्के थे, उन्होंने क्रिकेट खेलने की ठान ली थी तो करना ही था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने फादर को कि पापा मैनू एक साल दे दो, तुसी अंडर 19 वो 18 ईयर के थे, उन्होंने बोला कि मुझे एक साल दे दो पापा मैनू, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जे मैं एक साल च कुछ नहीं कर पाउंदा तां जिवें तुसी कहो मैं उद्दां कर दूंगा। और इसने उस साल फिर जो इसने प्रॉमिस किया था, लगभग 18 साल की उम्र थी, तो इसने इंटर डिस्ट्रिक्ट में काफी अच्छी विकेट्स लिए, फिर इंटर स्टेट हुआ सिलेक्शन, फिर उसके बाद इंटर जोनल और जो चैलेंजर ट्रॉफी होती है, तो 100 जोन के खिलाफ इसने 5 से 6 विकेटें ली, तो वहां से इसका जो है सारा प्लान चेंज हुआ। तो फिर उसके बाद इसकी सिलेक्शन जो है एशिया कप मलेशिया के लिए हुई, फिर वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में हुआ था अंडर 19 उसके लिए हुई और अच्छा परफॉर्म किया, उस तो बाद फिर कैरियर जो आईपीएल कैरियर भी जरा शुरू हो गया। दिस वॉज इज गोल्डन पीरियड, और इतनी कैंट परफॉर्मेंस के बाद उनको आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 के ट्रायल्स पे बुलाया गया, और ऑक्शन में पूरे 20 लाख बिड में उनको किंग्स 11 की टीम में शामिल कर लिया गया। सो ऐसी अर्शदीप की बहुत सारी अचीवमेंट थी जो 2019 और 20 की थी, अगर मैं इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी, सो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। सो फाइनली 2022 में अर्शदीप को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाला T20 मैच में शामिल कर लिया गया। अर्शदीप की अभी एज इतनी कम है और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, जिसमें 40-40 साल क्रिकेट खेले हुए एक्सपीरियंस्ड बंदे थे, उनकी जर्नी बहुत बड़ी थी, एक्सपीरियंस्ड थे, उनको टक्कर दे रहा है अर्शदीप। और आज हम अर्शदीप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वो छूट गया था जो कैच, उसके बिहाफ पे उसको जज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, और पूरे उसके कैरियर को भूल के, उसकी सारी परफॉर्मेंसेस को भूल के उसको आज सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग अर्शदीप सिंह एंड स्टॉप पोस्टिंग नॉनसेंस थिंग्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिम। क्रिकेट एक गेम है जिसमें हार जीत चलती रहती है, अ ट्रू स्पोर्ट्समैन नेवर एवर डू दिस। और ये सब ट्रोल करना, खालिस्तानी कहना और रिलीजन को क्रिकेट के साथ जोड़ना, क्या ये सही चीज है? सो
काइंडली स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी ते ओ लोकां नूं वीडियो इह जरूर शेयर करना, हिंदी में बता रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना जो ऐसा ट्रोल कर रहे हैं अर्शदीप को, द गूंस ऑफ सोशल मीडिया जो ऐसी वॉयलेंस फैला रहे हैं और डीफेम कर रहे हैं, उनको ये वीडियो पता होना चाहिए कि भाई की जर्नी कितनी पीछे, 13-14 साल अगले ने क्रिकेट खेला है इसलिए इंडिया में बैठा है, वो कैच छूट जाने से आप किसी को जज मत करो। चलो गाइस मैं लेना थोड़े तो इजाजत से मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले कैदा मेरे नहीं प्रेशर में। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत खराब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो गया।